हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। राम राम सा। मिलर्स किचन एंड मोर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बाकरवाड़ी समोसा बनाएंगे, आप उसको पिनवल समोसा भी कह सकते हैं। और ये बनाना कब है, अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आते हैं तो आप एज अ स्टार्टर बना सकते हो, एज अ स्नैक्स बना सकते हो, एंड ये आपकी यूनिट डिश भी बन जाएगी। सो दे विल रियली लाइक दिस। तो इसके लिए हम एक बाउल लेंगे, उसमें गेहूँ का आटा डालेंगे 1 कप जितना, मैदा डालेंगे 1 कप जितना, आप चाहो तो गेहूँ के आटे का भी बना सकते हो। और यहाँ पे रवा लेंगे हम 1 टेबल स्पून, नमक स्वादानुसार, और ये भुना जीरा लिया है उसको पीस लिया है मैंने 1/2 टेबल स्पून, अजवाइन 1/2 टेबल स्पून, ऑयल लेंगे 1 टेबल स्पून जितना, और इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ पुदीना सुखा के उसका पाउडर भी मिक्स किया, ये देखिए 1/2 टेबल स्पून जितना। इसको मिक्स करके हम इसको मुट्टी में लेंगे और ये आटा एकदम अच्छे से बाइंड हो जाना चाहिए। अगर ये बाइंड हो जाता है इसका मतलब हमारा आटा तैयार है। अब हम इसमें पानी डाल सकते हैं और इसको एकदम अच्छे से बांध लेंगे। इसमें मैंने 3/4 कप जितना पानी टोटल यूज किया है और धीरे धीरे करके हमें इसमें पानी ऐड करना है। अब हम इसको थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करेंगे, मैंने ऑलिव ऑयल यूज किया है, आप चाहो तो नॉर्मल ऑयल भी यूज कर सकते हो। और 10 से 15 मिनट तक हम इसको साइड में रख लेंगे, तब तक हम जो हमारा मसाला है उसको हम तैयार करेंगे। पैन को गर्म करके हम उसमें ऑयल डालेंगे 1 टेबल स्पून, जीरा 1/2 टेबल स्पून, हींग 1/4 टेबल स्पून, यहाँ पर लहसुन और अदरक उसका पेस्ट भी ले सकते हो, ग्रेट करके भी डाल सकते हो 1 टेबल स्पून। इसको एकदम अच्छे से मीडियम स्लो फ्लेम पर मिक्स करेंगे। यहाँ पर हरी मिर्च लिए मैंने एक, उसको एकदम बारीक काट लिया है। प्याज लेंगे एकदम अच्छे से बारीक काट लेंगे उसको, वो भी मिक्स करेंगे इसमें, और ये गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसको पकाना है। ये शिमला मिर्च लिए एक, उसको बारीक काट लिया है, और मटर लिए है ताजे 1/2 कप जितने, और इसको एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे हम लोग 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर। मसाले डालेंगे हल्दी 1/4 टेबल स्पून, नमक स्वादानुसार, लाल मिर्ची पाउडर 1/2 टेबल स्पून, या ब्लैक पेपर पाउडर लिया है, काली मिर्च का पाउडर 1/4 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून, चाट मसाला 1/4 टेबल स्पून, गरम मसाला 1/4 टेबल स्पून, और इसको एकदम मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक पकाना है। अभी शुगर डालेंगे 1/2 टेबल स्पून जितनी, इससे सारे मसाले अच्छे से बाइंड हो जाएंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, टेस्ट आएगा इसमें। अब हम इसमें आलू डालेंगे, 3 आलू लिए मैंने, उसको एकदम अच्छे से बॉईल कर लिया है और मैश कर लिया है। हम इसमें इसको मिक्स कर लेंगे एकदम अच्छे से और उसको कुक होने देंगे, उसको पकने देंगे 5 मिनट तक मीडियम स्लो फ्लेम पर, जब तक कि सारे मसाले अच्छे से बाइंडिंग हो जाते हैं। अब हम इसमें धनिया पत्ता डालेंगे 1/4 कप जितना और उसको एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे 2 मिनट तक। हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब बारी आती है आटे की। अब हम आटे को एकदम अच्छे से नेट कर लेंगे, अच्छे से बांध लेंगे और इसकी लोई बना लेंगे, बॉल्स बना देंगे इसकी। मीडियम साइज बॉल्स बनानी है, मैंने 4 बॉल्स बना दी है इसकी, यहाँ पर मैंने 4 बताई है, बट और भी बना सकते हो आप। और अब हम इसको एकदम अच्छे से प्लेटफॉर्म को ग्रीस कर लेंगे, लोई को ग्रीस कर लेंगे ऑयल की सहायता से, और इसको चौकोर शेप में भी लेंगे, और जो मसाला हमने तैयार किया है उसको एकदम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे उसके ऊपर। आप अच्छा मसाला लीजिए, अच्छी क्वांटिटी में लीजिए, देखिए इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने चीज लिया है, इसको एकदम अच्छे से ग्रेट करेंगे उस पर और इसको रोल करेंगे सिलिंड्रिकल शेप में, और हल्के से प्रेस करते हुए इसको रोल करना है, देखिए। और इसका एज है उसके ऊपर हम जस्ट पानी से इसको ब्रश कर लेंगे जो कॉर्नर है उसका, और ये साइड में जो एक्स्ट्रा कॉर्नर है वो खाली रहता है तो उसको हम निकाल देंगे काट के। अब हम इसको एकदम अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे, 2 इंच का एक पीस आप मान लीजिए, और आप हो सके तो चाकू की सहायता से काट लेंगे। देखिए इसी प्रोसेस में आपको बता रही हूँ, सेम प्रोसेस। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए हमारे एकदम अच्छे से पिनव्हील समोसे ये तैयार हो चुका है मसाले के साथ। अब हम एक बोल में 2 टेबलस्पून जितना मैदा लेंगे और इसमें 1/2 कप जितना पानी डालेंगे और एकदम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें लम्प्स नहीं रहने चाहिए, एकदम अच्छे से मिक्स करना है इसे। अब
अब यहाँ पर हमने फ्राई करने के लिए ऑयल गरम किया है पैन में, और ये जो हमने पेस्ट तैयार किया है, जो पानी तैयार किया है, उसमें एक एक समोसे को डालेंगे, तीन मिल समोसे को, और अच्छे से उसको इसमें कोट कर लेंगे। और जो पानी की कंसिस्टेंसी वो काफ़ी पतली ही है, और इसको फ्राई करने के लिए डालेंगे। ऑयल थोड़ा गर्म होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं। एंड फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए मेरे चैनल को, आपको और भी ऐसी दिलचस्प रेसिपी, लाजवाब रेसिपी मिलने वाली है। ये देखिए, हमने एकदम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम स्लो फ्लेम पे इसको फ्राई किया है। इस चीज़ का ध्यान रखना है ताकि अंदर से भी एकदम अच्छे से पक जाए हमारे समोसे, एकदम अच्छे से पक। सो इट्स रेडी टू ग्रैब, यू नो, अगर आपके फ्रेंड्स आएंगे, आपके रिलेटिव आएंगे, कोई भी गेस्ट आए, दे विल लव दिस रेसिपी। आई होप यू एंजॉयड दिस रेसिपी। थैंक यू।